आइए जानते हैं 15 बेस्ट किचन टिप्स। गुड़ चाशनी बनाते समय अगर कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे तो चाशनी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। यदि दूध की मलाई में एक चम्मच चीनी डालकर फेंटा जाए तो मक्खन ज़्यादा मात्रा में निकलता है। गुलाब जामुन को एकदम सॉफ्ट और अंदर से रसीला जालीदार बनाने के लिए खोवा में थोड़ा सा पनीर या छेना डालकर मिलाएं। गुलाब जामुन एकदम रसीले, मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। रसगुल्ला स्पंजी बनाने के लिए रसगुल्ले को चाशनी में पकाते समय जब रसगुल्ले चाशनी में फूलने लगे तो बीच बीच में उसमें 1 से 2 बड़े चम्मच पानी डालें। इससे चाशनी गाढ़ी नहीं होगी और रसगुल्ला ज़्यादा स्पंज बनेगा। अगर दही नहीं जमा है तो एक समतल थाली में पानी लें और फिर उसमें दही वाले बर्तन को रखें। फिर देखिए 1 घंटे में दही जम कर तैयार हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखें बर्तन हिलना नहीं चाहिए, उसे एकदम स्थिर रखें। आम के अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसे बीच बीच में धूप दिखाते रहें और अचार को किसी सूखे जगह पर ही रखें। और जब आपको अचार खाने का मन हो तो सूखे साफ चम्मच से थोड़ा सा निकाल कर अलग लें। बार बार अचार में हाथ ना लगाएं, तभी अचार आपका लंबे समय तक चलेगा। आम के अचार बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर मिलाएं, इससे अचार ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। पानी वाले ताजे नारियल को आसानी से फोड़ने के लिए सबसे पहले नारियल का सारा पानी ऊपर से छेद करके निकाल लें और फिर उसे गैस बर्नर पर रख कर 2 से 3 मिनट तक सेकें। उससे नारियल का ऊपर वाला कड़क हिस्सा आसानी से चटक कर अलग हो जाएगा। केले का गुच्छा लटका कर रखने से केला 5-6 दिनों तक खराब नहीं होगा। दूध से ज़्यादा मलाई निकालने के लिए पहले दूध को अच्छे से उबालने के बाद ठंडा होने के लिए रख दें, फिर उसके बाद उसे फ्रिज में रखें। इससे दूध में मलाई अधिक मात्रा में मोटी जमेगी। अगर फ्रिज से बदबू आ रही हो तो 1 कटोरी में लकड़ी का कोयला भरकर फ्रिज में रखें, इससे फ्रिज में से बदबू गायब हो जाएगी। हरी मिर्च का डंठी तोड़कर फ्रिज में रखने से हरी मिर्च अधिक समय तक ताज़ा बनी रहेगी। प्याज फ्राई करते समय 1 चुटकी शक्कर डालें, इससे प्याज जल्दी व कुरकुरा सिकेगी। दूध फटने के बाद दूध का पानी फेंकें ना, क्योंकि उसका इस्तेमाल आप दोबारा से दूध फाड़ने में कर सकते हैं या फिर आटा गूंथने में भी कर सकते हैं। मीठी डिश, अगर आप कोई मीठी डिश बना रही हो तो उसमें 1 चिटकी नमक डाल दीजिए। ऐसा करने से खाने का स्वाद अधिक बढ़ जाएगा। अगर आप एक ही तरह के मेयोनीज खाकर बोर हो चुके हैं तो प्लेन मेयोनीज में हरी चटनी, चिली सॉस या बारीक कटा धनिया पुदीना मिला लीजिए। ऐसा करने से आप नए फ्लेवर का स्प्रेड तैयार कर लेंगी। दाल के पानी का करें इस्तेमाल। दाल उबालने के बाद अक्सर उसका एक्स्ट्रा पानी बच जाता है जिसे महिलाएं फेंक देती हैं, लेकिन अब आप उसे फेंकने के बजाय आटा गूंथने में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहता है। चावल बनाते समय महिलाओं की एक शिकायत होती है कि उनके चावल चिपक जाते हैं, लेकिन अब आप चावल बनाते समय उसके पानी में 1 चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू रस की डालें। ऐसा करने से आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। ग्रेवी ऐसे बनाएं। खाना बनाते समय ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते समय उसमें 1/2 छोटा चम्मच चीनी डालें। दरअसल चीनी ग्रेवी को अच्छा रंग देगी और उससे स्वाद भी बढ़ जाएगा। लहसुन स्प्रेड। लहसुन की कलियों को बारीक काट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए, फिर इसे दही, चिली फ्लेक्स, नमक और बारीक कटे धनिया के साथ मिक्स करें। ऐसा करने से आप टेस्टी स्प्रेड तैयार कर लेंगी। इसे आप चाहे तो सैंडविच में लगाकर खा सकती हैं। तेल अधिक होने पर ये करें, अगर आपकी ग्रेवी में तेल अधिक हो गया है तो उसे थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीजर में रख दें। ऊपर तैर रहा तेल जम जाएगा और आप आसानी से उसे निकाल कर फेंक सकती हैं। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए इसे कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकलता है उसे फेंकने के बजाय आटा गूंथने में इस्तेमाल करें। इससे पराठे सॉफ्ट होने के साथ
साथ काफ़ी टेस्टी भी बनेंगे। पूड़ी, अगर आप पूड़ी में अधिक तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो उसे बेलकर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से फ्राई करते समय आपकी पूड़ी अधिक तेल नहीं सोखेगी, सब्जी नहीं पड़ेगी काली। महिलाएं समय की कमी के कारण रात में ही सब्जियां काट कर रख लेती हैं ताकि अगले दिन झटपट उसे बना लें, लेकिन ऐसा करने से कई बार सब्जियां काली पड़ जाती हैं। ये काली ना पड़े इसके लिए सब्जियों को हमेशा नमक के पानी में डालकर फ्रिज में रखें। सूजी हलवा, सूजी या आटे का हलवा बनाते समय उसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला लें। ऐसा करने से हलवे का स्वाद दोगुना हो जाएगा। मलाई, मलाई से अधिक घी निकालने के लिए उसमें बर्फ डालकर मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड करें। ऐसा करने से मक्खन अलग होकर ऊपर आ जाएगा और मट्ठा नीचे रह जाएगा। इस मट्ठे का इस्तेमाल आप रवा इडली बैटर बनाने के लिए कर सकती हैं। भिंडी, अगर आपकी भिंडी की सब्जी चिपचिपी बनती है तो इसे पकाते वक्त इसमें नींबू का रस डाल दें। ऐसा करने से भिंडी का चिपचिपापन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप भिंडी पकाते समय उसमें बेसन भी मिला सकती हैं। ऐसा करने से भिंडी क्रिस्पी बनेगी।